अल्कलिनिटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि बीज में ही जाए, आसपास में पहुंचेगी तो फैल गया। नमस्ते, मेरा नाम है अजीत सुरेश गोखले। मैं एक शास्त्रज्ञ हूँ, कोशिश करता हूँ प्रकृति को जानने की, समझने की और जितना हो सके लोगों को समझाने की। कुछ 6 साल तक मैंने MSc के बाद कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद 6 साल तक कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल R&D, टेक्निकल मार्केटिंग, मार्केटिंग इन चीज़ों में काम किया और पिछले 18 सालों से नेचुरल सॉल्यूशंस नाम की हमारी एक कंपनी है वो चला रहा हूँ। प्रकृति के लिए जो सही हो मात्र वही करना है, ये हमने शुरुआत से ठान लिया था और वही कर रहे हैं। पानी क्या है? पानी आधार है। ये पृथ्वी के ऊपर अगर पानी नहीं होता द्रव रूप में, बाष्प रूप में और बर्फ के रूप में एक साथ, तो यहाँ जीव सृष्टि नहीं होती। जैसे हम जानते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं होती। तो ये पानी जो है, ये लोग कहते हैं फ्रेश वाटर, लेकिन कोई फ्रेश वाटर नहीं है। डायनासोर के ज़माने से जो पानी चला रहा है या उससे पहले भी जो पानी था वही पानी आज भी है। ये सारा पानी गोल गोल घूम रहा है, चक्र। और अगर पृथ्वी माता के शरीर का मानवी शरीर से तुलना की जाए अगर, तो पृथ्वी माता के ऊपर से बहने वाला और अंदर से बहने वाला ये सारा जल जो है, इसकी तुलना हम इंसानी पसीने से या इंसानी खून से कर सकते हैं। ये जो हमें पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है झरने का, ऊपर से बारिश गिरी, ज़्यादा पानी हुआ, ढलान मिली, वो चलने लगा। जैसे इंसानी शरीर के ऊपर पसीना होता है और वो ढलान की तरफ गिरने लगता है, बहने लगता है, उसी तरीके का ये पानी है। कुछ पानी ज़मीन के अंदर पाया जाता है उतनी गहराई पर, वो कुओं से निकाला जाता है। तो कुएं का पानी अगर शरीर के समान हम देखें तो ये नसों का पानी है या ये नसों का खून है। जो नसें अशुद्ध रक्त पूरी शरीर से लेके हृदय तक ले जाती है, थोड़े से खोदने पर वो पानी मिल जाता है। बोरवेल का पानी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा खोदना पड़ता है। बोरवेल का पानी जो शुद्ध रक्तवाहिनियाँ हैं, जो बहुत अंदर से चलती है, हमें यहाँ नज़र आती है नब्ज़ के रूप में, लेकिन ये यहाँ जन्मी नहीं है, इसकी शुरुआत हार्ट से हुई है। यहाँ आते आते अपनी हड्डियों के बीच में से या हड्डियों को सट कर चलती आती है। यहाँ सिर्फ हमें पल्पिटेशन जो है दिखता है, समझता है। यहाँ अगर कट हो जाए तो इंसान जी नहीं सकता, यहाँ कट हो जाए तो इंसान जी सकता है। ज़्यादा पसीना बहे या पसीना पहुँचे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोरवेल्स जो है वो नब्स जैसी है, वो हम निकाल निकाल कर पानी बहुत बाहर है। अगर किसी डॉक्टर को आप पूछोगे कि क्या डिहाइड्रेशन से बुखार आता है, तो डॉक्टर जरूर कहेगा डिहाइड्रेशन से बुखार जरूर आता है। हम अपनी पृथ्वी माँ को डिहाइड्रेट करा रहे हैं, हम यहाँ से उसका खून जो है वो चूस चूस कर बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो माता जी को बुखार आया है। और भी कोई कारण है जिसकी वजह से हम ये बुखार के कारण बन रहे हैं? जो जो संसाधन
मॉडर्न इंसान इस्तेमाल कर रहा है वो सारे संसाधन पृथ्वी माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर हम निकाल रहे हैं। हम पेट्रोल या डीजल निकालते हैं क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल निकलता है जमीन के अंदर 1000 फुट, 2000 फुट, 3000 फुट, 5000 फुट पर या समुद्री तल के नीचे। मानवीय शरीर से हम उसकी तुलना करें तो लीवर जैसे ऑर्गन से हम तुलना कर सकते हैं उन खदानों की। इंसानी शरीर में लीवर जो है वो है ऑयल, क्रूड ऑयल के रिजर्वर। इंसान खदानें बनाता है पृथ्वी पर पत्थर काटकर तोड़कर, तो ये जो हमारी हड्डियां हैं उससे कंपेयर किया जा सकता है उसे, या ये हड्डी है उससे कंपेयर किया जा सकता है उसे। जिस तरह से यहाँ छेद करने से या यहाँ छेद करने से हम अपाहिज हो जाएंगे, उसी तरह से खदानों से चीज़ें निकाल निकाल कर हम पृथ्वी माँ को अपाहिज कर रहे हैं। पानी और संसाधन बाकी के ये इस तरह से पृथ्वी माँ के बिल्कुल अभिन्न अंग हैं। हम उनमें जहर घोल रहे हैं। अगर हम खून देते हैं तो इसी नब से देते हैं या यहाँ से देते हैं, लेते हैं तब भी यहीं पे लेते हैं, लेकिन हम खून की लेन देन करते हैं। थोड़ा असभ्य शब्दों में कहूँ, कोई पेशाब यहाँ नहीं डालता, खून ही डाल सकते हैं। इंसान जब गंदगी करके उनका गंदा पानी या तो झरनों में बहाता है या तो गड्ढों में डाल देता है या तो तालाबों में डाल देता है, वो एक किस्म से पेशाब को खून में मिला रहा है जिससे पॉइजनिंग होती है, और ये पॉइजनिंग जो है ये बीमारियां फैलाती है इंसान के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। यह पानी सिर्फ जहर हो थोड़ा सा छोटा सा, तब फिर भी अपनी शरीर में यंत्रणा होती है जो उसे साफ कर सके, लेकिन अगर यहाँ रेडियो एक्टिव चीज़ डाल दी या तो ऐसी कोई ज़्यादा पॉइजनस चीज़ डाल दी जो ट्रीट करने की सुविधा अपने शरीर में नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मॉडर्न इंसान ने बहुत बड़े पैमाने पे खदानें बनाई और मेटलर्जी बनाई, बहुत सारे खनिज हम निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। एक मोबाइल फोन में 65 एलिमेंट्स होते हैं, 65। किसी भी सजीव में अगर आप खोजने जाओगे तो ज़्यादातर 16 मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं 20 होंगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मोबाइल में 65 एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 108 है उसमें से 65। तो ये सारे निकालने के लिए खदानें करनी पड़ती हैं। खदानों से निकाला उसे प्योरीफाई करना पड़ता है, प्योरीफाई करते करते बहुत बड़े पैमाने पे गंदगी तैयार करते हैं। उस गंदगी को स्टोर करने की जगह इंजीनियरों ने खोज निकाली है, मेटलर्जिस्ट लोगों ने खोज निकाली है, उसको वो कहते हैं टेलिंग पॉन्ड। ये टेलिंग पॉन्ड जो होते हैं बड़े बड़े तालाब होते हैं जिसमें वो गंदा पानी इकट्ठा किया जाता है। हर साल 3 या 4 टेलिंग पॉन्ड टूट जाते हैं। न्यूज में नहीं आता ये, कोई मीडिया आपको नहीं बताता, लेकिन टूटते जरूर, क्योंकि वो गंदा पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए हैं, इसलिए उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। वो कंक्रीट के नहीं बनते, मिट्टी के पत्थरों के बनाए जाते हैं। तो साल में कम से कम 3 कहीं ना कहीं टूट ही जाते हैं। ओवरफ्लो होते हैं ज़्यादा बरसात में, और नीचे किसी किस्म का लाइनिंग न होने की वजह से उनका पानी रिस भी जाता है अंदर,
मतलब ये कि ऐसा पानी जिसे कोई इंसानी टेक्नोलॉजी ट्रीट नहीं कर सकती, इतना गंदा पानी हम ज़मीन के अंदर जाने देते हैं, बहकर नदियों में जाने देते हैं और टूटकर उसका सैलाब भी आने देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में आजकल आर्सेनिक पाया जाने लगा है। जब मैं आयन एक्सचेंज में था 2001-2002 में, तब जो स्टडी हमने की थी, जो हमें मिली थी, उसमें यह था कि मात्र बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में आर्सेनिक है। लेकिन आज अगर आप देखने जाओगे तो 19 से ज़्यादा स्टेट्स में आप आर्सेनिक पाओगे। ये आर्सेनिक कहाँ से आया? लोग कहते हैं आर्सेनिक जियोजेनिक होता है। जियोजेनिक माने ज़मीन के अंदर मिलना वाला, वहाँ का जियोजेनिक कह सकते हैं। लेकिन हर जगह पर जियोजेनिक, ज़मीन के ऊपर बहने वाले पानी में भी जियोजेनिक, ये गलत है। यह आर्सेनिक आता है पेस्टिसाइड से, यह आर्सेनिक आता है टेलिंग पॉन्ड से, और यह आर्सेनिक खेतों में बहता है, इरिगेशन के पानी में बहता है, अनाज में आता है और हर कोई इसे खा रहा है। और ये सारी चीज़ें गलत है, इसलिए जैसे किसी इंसानी शरीर में अगर कीटाणु जीवाणु आ जाए तो शरीर अपना तापमान बढ़ा लेता है, उसे हम कहते हैं बुखार आया। वो तापमान पर अपनी शरीर की सैनिक पेशियां जो होती है वाइट ब्लड सेल, वो उन जीवाणुओं को खा सकती है। आजकल पृथ्वी माता का तापमान बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ा है उसका, और वो बेमौसम बरसात कर रही है और ओले बरसा रही है यहाँ वहाँ। अगर ठीक से सुना उसका, तो उसका कहना यह है कि आप गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हो, उनको सुधारो, वरना मैं आपकी किसानी, बागवानी, मेटलर्जी वो सारी तोड़ दूँगा। ये सिग्नल्स हम ठीक से समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग हुई है। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है ये, सिर्फ बुखार नहीं है, ये कैंसर है, ये टीबी है, ये हार्ट ट्रबल है, ये गैंग्रीन है। जानना चाहोगे गैंग्रीन कैसे है? कभी अपनी कलाई को ऐसे कसकर पकड़ के देखा है? खून बह नहीं सकता तो हाथ जो है वो नम हो जाता है। ऐसे अगर 2 घंटे पकड़ के रखूं, 3 घंटे पकड़ के रखूं, तो ये जो ऊतक है, ये टिश्यू जो है वो मर जाएगी। हमने झरनों के ऊपर बड़े बड़े डैम बना दिए हैं। वो डैमों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम कहते हैं चलो हमने बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लिया। लेकिन पानी के साथ आती हैं पत्तियाँ, टहनियाँ, अलग अलग किस्म का ऑर्गेनिक मैटर, वो पानी के नीचे जमा हो जाता है और वहाँ सड़ जाता है। सारे डैम्स का तल का पानी जो है वो एनारोबिक है, वहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, वहाँ हवा का ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, वो एनारोबिक हो जाता है। तो गैंग्रीन जो है वो एनारोबिक होने के कारण से होता है। यहाँ की गंदगी बाहर नहीं गई, नया ऑक्सीजन अंदर नहीं आया। डैम्स जो है वो एक किस्म के गैंग्रीन जैसे काम कर रहे हैं। टेलिंग पॉन्ड्स सेप्टिसेमिया पॉइजन है। पानी के बहाव ऊपर से नीचे आते हैं, समुंदर सबसे नीचे हैं, महासागर सबसे नीचे हैं, उसमें जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन समुंदर भी कोई एक जगह पे पानी रोका हुआ नहीं है, सारे समुंदर का पानी एक दूसरे से मिला हुआ है और समुंदर के अंदर भी प्रवाह बहुत सारे हैं। उन प्रवाहों में हमने डाला हुआ कचरा, प्लास्टिक का कचरा और अलग अलग किस्म का कचरा,
हम डाले भले माउंट एवरेस्ट पे, वो पहुंचेगा पैसिफिक गायर में। पहले पहले सिर्फ पैसिफिक गायर दिख रही थी, लेकिन आजकल पता चल रहा है अपने पृथ्वी के ऊपर के सारे महासागरों में कुछ ऐसे स्पाइरल घूमने वाले प्रवाह हैं, छोटे बड़े हैं। पैसिफिक का सबसे बड़ा है वो हार्ट है, सारा समुंदर का महासागरों का पानी वहाँ आता है और वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। और जैसे इंसानी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, वैसे ये छोटे छोटे गायर जो है ये एक किस्म के लिम्फ नोड्स है पृथ्वी के। हार्ट में प्लास्टिक डाल दिया, इंसान के हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जाए तो प्रॉब्लम होती है, पृथ्वी माता के हार्ट में हम प्लास्टिक डाल चुके हैं। और कैंसर जानना चाहोगे? कैंसर की जो पेशियां होती है उनकी एक खासियत होती है, वो पेशियां बहुत स्वार्थी होती है, सिर्फ मेरे लिए, सारे रिसोर्सेस मेरे लिए, मैं लूंगी, इस्तेमाल कर लूंगी, खुद को प्रोलिफरेट कर लूंगी और गंदगी बाहर छोड़ते जाऊंगी। कोई इंसान जब कैंसर से मरता है तब उसकी शरीर की सारी कोशिकाएं कैंसर की नहीं होती, 2-3% पेशी जो है वो कैंसर की हो गए तो इंसान खत्म, बाकी शरीर उसका वही होता है नॉर्मल, लेकिन 3% कैंसर सेल्स, 5% कैंसर सेल्स वो मार देती है इंसान। ये हमें समझना चाहिए, 6 अरब में से जो कि पॉपुलेशन है आज, या शायद 7 अरब, 7 अरब में से 4-5% भी लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए और सारे रिसोर्सेस यहाँ वहाँ से इस्तेमाल करके गंदगी जो है वो छोड़ने लगे बाहर, तब पृथ्वी माँ ह्यूमन कैंसर से मर जाएगी। उदाहरण देखोगे, यहाँ हम बैठे हैं महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट की आबादी है कुछ 11 करोड़, 11 करोड़ में से 2 करोड़ लोग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रह रहे हैं, मतलब करीब करीब 20% लोग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहे हैं, जो रीजन कितना बड़ा है, 2% है पूरे स्टेट का। 100% के स्टेट में सिर्फ 2% में 20% लोग रह रहे हैं। करते क्या हैं? ऑफिस में जॉब करते हैं, अकाउंट्स लिखते हैं, शेयर मार्केट में लेन देन करते हैं, पूरे स्टेट से अनाज लाते हैं, दूध लाते हैं, खाने की चीज़ें लाते हैं, स्टेट से नहीं स्टेट के बाहर से भी लाते हैं, और लाकर अपना गंदा पानी जो है वो समुंदर में छोड़ देते हैं। मतलब हम पोषण द्रव्य जो है वो पूरे देश से ले रहे हैं और उसका रिसाइकलिंग रिटर्न नहीं करा रहे हैं, हम उसे छोड़ रहे हैं समुंदर में। खैर महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है वो उनके स्टेट से 1% से भी कम इलाके में है, उसमें 19% लोग रहते हैं तमिलनाडु, वो भी सारा पोषण सारा खाना पीना लाते हैं पूरे स्टेट से और स्टेट के बाहर से भी, और गंदगी छोड़ देते हैं समंदर में, चक्रियता नष्ट हो रही है। तो अगर कैंसर कहीं देखना है पृथ्वी माता का तो वो शहर है, ऐसे शहर जो समंदर किनारे हैं और ऐसे शहर जो समंदर किनारे नहीं है वो भी। हाल ही में एक बड़े शहर में गया था, लोग कहते हैं उस शहर के ज़मीन का पानी जो है वो पूरा जहरीला हो गया है, बोरवेल का पानी आप पी नहीं सकते, ये कोई समुंदर किनारे नहीं, ये एक नदी किनारे है। गोरखपुर के ज़मीन का पानी पीने लायक नहीं बचा,
ना ही अंकलेश्वर के जमीन के पानी पीने लायक है, न वापी का है। इन तीनों जगह है क्या? इन तीनों जगह केमिकल इंडस्ट्रीज है जो अपना गंदा पानी किसी न किसी तरीके से जानबूझकर या भूल से जमीन में रिसा रहे। और है क्या उन केमिकल वाले पानी में? बहुत बड़े बड़े जहर हैं जिनको साफ करना इंसानी दिमाग के बाहर की बात है। या तो वो कहते हैं वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। जिस किसी फैक्ट्री में ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता, उसके मालिक की मर्सिडीज इकोनॉमिकली फिजिबल होती है। वो ये नहीं कहता कि मेरी इकोनॉमी जो है गड़बड़ है, इसलिए मैं बस से ट्रैवल करूँगा, ये नहीं कहता। वो तो ट्रैवल करेगा मर्सिडीज से, लेकिन गंदे पानी को साफ करना फिजिबल नहीं होता, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता, क्या करेगा? ये जो सोच है ना, ये कैंसर है। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से नहीं डरना चाहिए, सिर्फ बुखार से कोई मरता नहीं, कैंसर से, हार्ट ट्रबल से, सेप्टिसेमिया से जरूर मर सकता है। और क्या कहूँ, यह है पानी और यह है जिंदगी।